वेलकम टू द चैनल व्यूअर्स, ट्रैवलिंग एजेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और परफेक्ट हेल्थ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो जी मोटरसाइकिल रिव्यू है और ये तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं इस बाइक को, और इसमें मोस्टली जो है वो बाइक जो यूज़ हुई है वो टूरिंग के लिए यूज़ हुई है। तो आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो बाइक रिव्यू के बारे में है, और अभी तक बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ अभी तक इसके जो ब्रेक लाइट है उसका बल्ब फ्यूज हुआ था, उसके अलावा अभी तक बाइक में कोई इशू नहीं आया, और मैकेनिकली बाइक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक मैकेनिकली कोई इशू नहीं है, पावर में कोई मसला नहीं है, उसमें कोई मिसिंग अभी तक मैंने मतलब हाइट्स वगैरह पर भी गया हूँ, वो वीडियोस वगैरह जितने भी हैं आपको नज़र आएंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक में कोई ऐसा इशू नहीं है पावर के लिहाज से। अभी तक जो है बाइक जो है उसमें मैंने 2-3 चीज़ें इंस्टॉल की हैं जो उसकी मेन वायरिंग के साथ ही अटैच हैं, लेकिन अभी तक मुझे उसमें कोई इशू नहीं आया। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस पर इंस्टॉल की थी वो ये बाइक होल्डर है, उसके बाद ये मोबाइल चार्जिंग के लिए, इसमें 12 वोल्ट भी है, और ये एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए जो है ये बटन इंस्टॉल हुआ हुआ है, ये ऑन ऑफ है इसका, और ये फ्लैशर है इसका। और दूसरी चीज़ ये जो मैंने है GoPro के लिए माउंट को इंस्टॉल करने के लिए ये एक खुद ही चीज़ डिज़ाइन की थी, ये वॉशर है बेसिकली और राउंड पाइप है, और उसको जो है वॉशर के साथ जो है वो वेल्ड किया हुआ है, और यहाँ पर GoPro माउंट जो है वो लगा हुआ है। ये कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा, ये एल शेप में है, उसके अलावा जो बाइक पे मैंने चीज़ इंस्टॉल की थी ये क्रैश गार्ड है, लेकिन ये सिंपल क्रैश गार्ड है जो मेरे ख्याल में 1000-1200 रुपये का मिल जाता है, और मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने कितने का परचेज़ किया था। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मैंने इसकी बनवाई थी, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इस साइड पर आप देख रहे होंगे मेरा जो साइलेंसर है इसके ऊपर, ये यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके ऊपर ये जो प्लास्टिक है ये चिपक गई है। मैं जब यहाँ पर अपना सामान लगाता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जब जंप वगैरह लगते हैं तो वो यहाँ पर जो आके है साइलेंसर के साथ टच होता था, और उसके निशान जो है प्लास्टिक के अभी आज तक आपके सामने मौजूद हैं। तो इसको एक्सटेंशन को मैंने लगाया, जिसकी वजह से जो है अब सामान यहाँ पर जो लगाया जाता है टूरिंग के दौरान या वैसे भी आप डेली यूज़ में करते हैं तो वो बाइक जो है उसके साथ इंजन वगैरह के साथ और उसके साथ टच नहीं होता। दूसरी चीज़ ये सिंपल सी हेडलाइट्स मैंने इंस्टॉल की थी, कुछ ऐसे नज़र आएंगी दोनों साइडों पे। इसकी सिर्फ रीज़न ये थी कि रात के वक्त जब आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो आपको ये लाइट्स ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। और बाकी ये विंडशील्ड मैंने इंस्टॉल की थी, ये बाइक में आपको पता है YBZ में कि सिर्फ लाइट होती है, ये रिंग वगैरह और ये जो विंडशील्ड है ये आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। ये हैंड गार्ड्स लगाए हैं, और एक ये मैंने टेल बॉक्स इंस्टॉल किया था, उसके साथ ये मैश लगाई है। ये काफ़ी हेल्पफुल है खुसूसन जब आपका बाइक धूप में खड़ा होता है। आप देख रहे होंगे ये प्लास्टिक जो है ये मैंने बाज़ार से परचेज़ करके और मैंने ये इंस्टॉल करवाई है। इसके रीज़न ये था कि जब आप टैंक पैक लगाते हैं तो वो स्क्रैचेस आते हैं मैग्नेट की वजह से, तो उसमें ये जो है ये काफ़ी बचत हो जाती है। ये तकरीबन इस यहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा, ये हाफ यहाँ तक इंस्टॉल है सिर्फ पेपर, क्योंकि यहीं पर जो है वो ज़्यादा उसका यूज़ होता है। यामाहा को जो है इसके रियर टायर जो है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये टायर जो है रोड्स के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जब आप थोड़ा सा ऑफ रोड पे जाते हैं, एक मुझे अक्सर वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं आप और उसमें आपको कॉमन जो चीज़ नज़र आती है वो ये होती है कि जी बाइक का टायर का इशू है। डेफिनेटली बाइक का टायर का इशू है, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के ऊपर ये प्रॉब्लम करता है, स्किड भी करता है और उस तरह इसकी ग्रिप नहीं होती। लेकिन मैं जब ऑफ रोडिंग करने लगता हूँ या इसको मैं किसी ऐसे जब बारिश हो रही हो या कोई बैड सरफेस हो तो वहाँ पर आप ऑफ रोडिंग पे चला रहे हैं, तो उसके लिए ये होता है कि थोड़ा सा अगर टायर प्रेशर आप कम कर दें। हमारे यहाँ आप देखें कि अक्सर आप टायर प्रेशर के लिए जाते हैं तो उनमें ये चीज़ होती है कि आप वो 40 के करीब जो है आपके बैक टायर में और 30 के करीब आपके अगले टायर में जो है वो हवा भर देते हैं। एक वो स्टैंडर्ड बना हुआ है उनका कह लें,
लेकिन मेरे अपने हिसाब से कि जब आप को जो कंपनी रिकमेंड करती है उसके हिसाब से अगर आप बाइक में टायर में हवा रखते हैं तो उसको मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम बहुत कम फेस करनी पड़ेगी। इसमें जो सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि इसकी ब्रेकिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। पिलियन के साथ आप बैठे हों तब भी आपके साथ बाइक की ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, और अगर सिंगल राइडर है तो उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है बाइक ब्रेकिंग। और सिंपल स्टॉक बाइक है, इसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें इंस्टॉल नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग और कंस्ट्रक्टिव वीडियोस के लिए जो है आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं चैनल पर नजर आएंगी। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।